इस वीडियो में हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनर कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहाँ किसको जाता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्रिएटिव फील्ड में से एक है। इसको टेक्स्ट और ग्राफिक की मदद से मैसेज को आकर्षण बनाना होता है। किसी भी प्रोडक्ट को उसकी पहचान बनाने में ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो फाउंडेशन कोर्स से लेकर 4 साल तक के डिग्री कोर्स उपलब्ध है और ग्राफिक डिज़ाइनर की योग्यता के लिए 12वीं पास होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही ग्रेजुएशन के बाद भी डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बैचलर इन फाइन आर्ट्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिज़ाइन, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन एंड अप्लाई आर्ट्स एंड डिजिटल आर्ट्स, प्रिंटिंग एंड मीडिया इंजीनियरिंग। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ग्राफिक डिज़ाइनर में तो आप ये सारा कोर्स कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे कैरियर की बात करते हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनर के क्षेत्र में ग्लोबलाइजेशन के मौजूदा दौर पर रोज़गार की बेहतर संभावना है, बहुत ही अच्छा संभावना है। सभी छोटे बड़े संस्थान अपने लिए विजुअल ब्रांड तैयार करवाते हैं। तो इसी वजह से इन फ्यूचर ग्राफिक डिज़ाइनर का बहुत ही डिमांड है। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनर की सैलरी कितनी होती है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर के क्षेत्र में सैलरी लगभग 15,000 से 30 या 35-40 तक के बीच में होती है और काबिलियत के अनुसार बढ़ती भी रहती है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी ग्राफिक डिज़ाइनर कोर्स के रिलेटेड। और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।